नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कुवैत की अपडेट से कल की डेट में कुछ और थी, आज की डेट में कुछ और हो गई। जी हाँ, कल की डेट में बता दूं फ्लाइट से रिलेटेड हम बात करेंगे कि भाई जो गवर्नमेंट ने अभी 2 दिन पहले अनाउंस किया था कि भाई जो 35 कंट्रीज हैं उनकी हम फ्लाइटें ओपन कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या गाइडलाइन जारी उन्होंने कर दी थी। और हो सकता है अभी 2 दिन पहले बोला फ्लाइट 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी फरवरी से। जी हाँ, सब आप लोगों ने भी न्यूज पढ़ी होगी, लेकिन कल की डेट में वापस फैसला पलट दिया गया, एंट्री पे बैन कर दी गई। जी हाँ, जो प्रवासी हैं, जो जिन देशों में कोरोना बढ़ रहा है उन कंट्रियों के लिए अभी भी फ्लाइटें 21 फरवरी की बात करें तो बैन कर दी गई है। जी हाँ, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं, मैं आपको बता दूं, वो आपको जानना जरूरी है कि भाई कुवैत हो सकता है 2 दिन 5 दिन में फ्लाइटें चालू कर दें। तो कुवैत सरकार का जो डीजीसी है उन्होंने क्या एक गाइडलाइन जारी की है एयरपोर्ट की तरफ से, या फिर आप कुवैत जाओगे तो आपको किन कंडीशन से सामना करना पड़ेगा, कितना आपका खर्चा लगेगा, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। पूरी डिटेल से जानकारी लेने के लिए वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आप कुवैत से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। 20 फरवरी को जो अपडेट निकल के आई उसमें बोला गया था भाई 35 कंट्रीज हैं उनके लिए हम कुछ कंडीशन के साथ फ्लाइट स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ, लेकिन जैसे 21 फरवरी को आई, वो 20 फरवरी को एक उनकी मीटिंग हुई थी उसमें ये अंदाजा लगाया गया था, हालांकि सरकार की तरफ से घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन न्यूज वगैरह में काफी जगह बात आ चुकी थी कि फ्लाइटें चालू हो जाएगी। जी हाँ, फ्लाइटें चालू हो चुकी हैं, ऐसे भी लोगों ने वीडियो वगैरह बना रखे हैं, लेकिन 21 फरवरी को वापस उस पे बैन लगा दिया गया। यानी हालांकि ओपन तो थी नहीं, बैन तो पहले से चल रहा था, लेकिन इसको अपन नॉर्मल भाषा में समझे तो मैं बता दूं कुवैत में अभी लगभग काफी सारे देशों में, 20 देशों से ऊपर प्लस देशों में अभी पिछले महीने में आपको बताया फरवरी जनवरी लास्ट में बैन लगाया था। जी हाँ, जिसमें वीसी होकर भी वो फ्लाइटों में नहीं जा पा रहे थे, ऐसे कुछ थे जिसमें अपने इंडिया के भी 600 से प्लस लोग वहां पे फंसे हुए थे। जी हाँ, कहां पे, दुबई की अगर बात करें तो, क्योंकि बहुत सारे लोग दुबई से जा रहे हैं, इतना उनका खर्चा लग रहा है। पिछली बार भी उससे पहले भी दिसंबर में लोग फंस गए थे, जनवरी फेस्ट में भी लोग फंस गए थे, लेकिन वहां पर तो चलो वहां की अपने इंडिया की जो मुस्लिम कल्चरल एक सांस्कृतिक केंद्र है, एक सोसाइटी है, उनके द्वारा 350 के करीब बंदों की हेल्प की गई थी, रहने की खाने की व्यवस्था कर दी गई थी, बाद में फ्लाइटें भी स्टार्ट हो गई थी तो चले गए थे, लेकिन अभी की स्थिति कुछ और है। जी हाँ, तो उम्मीद है कि आप कुवैत से कुवैत जाने के लिए दुबई का दूसरी कंट्री का इस्तेमाल नहीं करोगे, करोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा है, और वो पहले वाले जो नियम थे ना वो बंद कर दिए गए, क्योंकि वीए की भी आपको पता है फ्लाइटें बंद कर दी थी कुवैत ने, और भी कंट्रियों की बंद कर दी थी, तो जाओगे किधर से? अगर आप यहाँ से इंडिया से निकल के वहां चले गए तो वहां पर आपको बैन होना पड़ेगा क्योंकि आगे फ्लाइटें चालू नहीं है, तो इस वजह से आपको नुकसान हो सकती है। तो बहुत सारे वापस जो लोग थे वो फंस चुके थे, वो इंडिया आ गए थे, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे थे क्योंकि महीने का वीजा मिलता है कुवैत दुबई का, तो वो सोचे क्या पता और रह ले थोड़ा, तो हो सकता है कुवैत फ्लाइटें स्टार्ट कर दे, इंडिया की नहीं करे तो कम से कम दुबई की तो कर दे, तो हम यहाँ से दुबई से वापस कुवैत जा सकते हैं, ऐसे लोगों की मानसिकता थी। इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी और भी लोगों की तरफ से ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि भाई जो पहले लोगों की हेल्प की थी जो जनवरी फेस्ट में, अब अगर लोग वहां पे फंसते तो उनकी बार बार हेल्प नहीं की जा सकती क्योंकि पैसा लगता है, तो वो अगर आप रहना चाहते हैं दुबई में तो आप अपने खर्चे पे रह सकते हैं। फिर भी बता दूं कुवैत सरकार ने डीजीसीए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वहां का हेल्थ डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, उन्होंने एक घोषणा करी थी कि भाई अगर आप जैसे फ्लाइटें चालू होती हैं और कुवैत में लोग आते हैं तो उनको कंडीशन क्या है उनकी बता दूं, होटलों में आपको रहना पड़ेगा। जी हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है जिसका खर्चा आपको खुद का उठाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको मैं बता दूं पीसीआर टेस्ट आपका वहां पे होगा, कुवैत में जाते ही वो खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, जैसे दुबई में आप जाते हो एयरपोर्ट पे आपका टेस्ट होता है तो आपका पैसा नहीं लगता, लेकिन वहां पे जो पीसीआर टेस्ट होगा वो खर्चा आपका लगेगा। होटलों में 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 3 तरह की कैटेगरी रखी गई है, उनमें पैसा आपका लगने वाला है। मैं बता देता हूँ कि भाई कौन सी कैटेगरी का कितना पैसा लगेगा, उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। तो हम पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट थर्ड कैटेगरी में अगर आप रहते हैं, जी हाँ, 20 केडी से 30 केडी तक का आपका पर डे खर्चा आएगा। जी हाँ, 20 केडी 30 केडी का मतलब ये हो जाता है कि भाई आपको मकान मिल जाएगा, रहना मिल जाएगा, प्लस आपको खाना मिल जाएगा। जी हाँ, 3 स्टार होटल नॉर्मल होते हैं जो आपको बताइए नॉर्मल चलते हैं,
फोर स्टार में अगर आप रहते हो तो 30 KD से 40 KD तक का खर्चा आता है जी हाँ, पर डे, जिसमें रहना खाना मिल जाता है, डबल रूम आपको, डबल बेड रूम मिल जाता है, प्लस आपका एयरपोर्ट का जो भी खर्चा होता है वो उसमें इंक्लूड है। अगर हम 5 स्टार की बात करें तो बता दूं 45 KD से लेके 55 KD यानी 45 से 55 KD के बीच में आपका खर्चा आएगा, जिसमें आपको अच्छे वाला 5 स्टार होटल तो भाई बेस्ट होते हैं, जो सुविधाएं उसमें मिलती है वो मिलेंगी, अच्छे वाले आपको बेड मिलेंगे, डबल बेड मिलेंगे, और जितनी भी सुविधाएं रहना खाना नाश्ता वगैरह आपका ट्रेवलिंग का चार्ज भी पूरा उसमें शामिल बताया गया है। तो इस तरह से आपको ये खर्चा उठाना